नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि IRCTC रेल ऐप कनेक्ट में या एजेंट आईडी हो या कोई भी आईडी हो, आपको अगर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टिक लगाना है कि नहीं लगाना है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों कंसोलिडेटर और आउट ऑफ ग्रेडेशन ए प्लस बुक ओनली इफ कन्फर्म वर्थ आर अलॉटेड ए आ जाता है, मतलब नाम वाम ऐड करने के बाद हमें दूसरे तीसरे नंबर पे वही आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप अपना नाम ऐड करेंगे प्लस कस्टमर का मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल नंबर जिसका भी टिकट हो, उसके बाद नीचे वही ऑप्शन हमें दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, इस पर मतलब कंसीडर फॉर आउट ऑफ ग्रेडेशन, मतलब इस पर टिक लगाने के बाद, मतलब आज अगर आपका वेटिंग टिकट है, वेटिंग टिकट के लिए अनिवार्य है, वेटिंग टिकट अगर आप निकाले हैं तो उस पर क्लिक करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्लीपर का टिकट बुक किए हैं, अगर हमें वेटिंग टिकट हमारा कंफर्म जैसे स्लीपर में नहीं मिला, तो चार्ट तैयार होते समय अगर स्लीपर, मतलब स्लीपर में सीट नहीं मिला, तो हमें अगर थर्ड एसी में खाली है, थर्ड एसी में सीट मिल जाता है। यहाँ पे हमें थर्ड एसी में भी सीट मिल जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड, इसके बाद यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर देना है, यानी आपका वेटिंग टिकट ही ना रह जाए, जैसे पहले था कि वेटिंग टिकट रह जाता था, वेटिंग टिकट ना रह जाए, इस पर क्लिक करना भी अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपका सीट नहीं मिला तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे, नहीं चार्ट तैयार होते समय आपका टिकट हो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस पर हमें दोनों पे क्लिक करना अनिवार्य है। एजेंट आईडी पे भी, पर्सनल आईडी पे भी इस पर क्लिक करें अगर वेटिंग टिकट है तो, और अगर सीट कन्फर्म है तो भी इस पर करना अनिवार्य है, इसलिए ऑटोमेटिक अगर जो आप सीट चुनेंगे वो सीट नहीं है तो आप कहीं और सीट मिल सकती है। अगर वही सीट लेना चाहते हैं, अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको सीट अगर नहीं है तो वो वेटिंग में चला जाएगा, जब कोई सीट खाली होगा तभी वो आपको कंफर्म सीट दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पे इस दोनों पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप बेफिक्र रहें। अगर आपको स्लीपर में सीट नहीं मिल रहा है, अगर आपका स्लीपर का टिकट है वेटिंग, अगर स्लीपर में सीट नहीं मिल रहा है, तो अगर थर्ड एसी में खाली रहेगा या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी जो भी हो, अगर चार्ट तैयार में होते, जब भी चार्ट तैयार होगा, अगर स्लीपर में नहीं मिलेगा आपको, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में भी सीट दे दिया जाएगा, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। नहीं माता जी।